नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा। और मैं राहुल सुंदन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों के आगे झुकी सरकार, पीटीए पैरा की तर्ज पर मिलेंगे वित्तीय लाभ। हिमाचल में 1800 एसएमसी शिक्षकों की नौकरी खतरे में, सेवा विस्तार न मिलने से गहराया संकट। सरकार ने बदले 12 आबकारी अधिकारी, 3 पुलिस अफसर भी ट्रांसफर। सीएम बोले, राहुल गांधी की रैली सुपर फ्लॉप। राठौर का जयराम पर पलटवार, चश्मा बदल ले सरकार। जयपुर पहुंची टीका साहब की बारात, नाटी पर झूमे वीरभद्र सिंह। और डीसी ऊना ने 40 रन से हराया एचपीसीए। ऊना में विक्रांत मेमोरियल राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोचक मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। शिमला में पैट का जोरदार प्रदर्शन देख जयराम सरकार शिक्षकों के आगे झुक गई है। अब हिमाचल में कार्यरत 3417 प्राथमिक सहायक अध्यापकों को पीटीए पैरा की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है। यही नहीं, उन्हें 144% महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले शुक्रवार को हजारों पैट ने सचिवालय के समीप हल्ला बोल दिया। हालात ये रहे कि प्रदेश भर से आए करीब 3500 शिक्षकों को पुलिस ने छोटा शिमला चौक के पीछे ही रोक दिया था। इस दौरान उग्र शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच यहां पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उन्हें शांत किया था। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षक अब सड़कों पर आ गए हैं। राज्य के लगभग 1800 शिक्षकों को सेवा विस्तार न मिलने का दंश झेलना पड़ रहा है। एक ओर शिक्षा विभाग ने एसएमसी के तहत सिरमौर, मंडी, चंबा के दूरदराज क्षेत्रों में नए शिक्षकों की भर्तियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन पुराने एसएमसी शिक्षकों को अभी तक सेवा विस्तार न देना विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। शिक्षा विभाग के इस रवैये से शीतकालीन स्कूलों के लगभग 1800 एसएमसी शिक्षक सरकार से खफा हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षकों को सेवा विस्तार देने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए थे, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी विभाग ने ये आदेश जारी नहीं किए हैं। एसएमसी शिक्षक संगठन के महासचिव मनोज का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कभी भी आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में यह मामला कई महीनों के लिए लटक जाएगा। राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग के 12 अफसरों को बदला है। इनमें से कुछ को प्रमोशन देकर ट्रांसफर किया गया है और कुछ अरसे से एक ही जगह टिके रहने पर हिलाए गए हैं। बदले गए अफसरों में हितेश शर्मा, राजीव डोगरा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद शर्मा, रविंद्र कुमार, उज्जवल सिंह, विवेक महाजन, राकेश भाटिया सहित जीत सिंह, मनु डोगरा, विनोद डोगरा और हरीश छाते शामिल हैं। इसके अलावा 3 पुलिस अधिकारी भी ट्रांसफर हुए हैं, जिनमें डीएसपी विकास कुमार धीमान, पूर्णचंद और वीर बहादुर शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कांगड़ा रैली को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो हिमाचल में अभी एक ही रैली की है, जबकि भाजपा प्रदेश भर में 4-4 रैलियां कर चुकी है। वहीं राम मंदिर निर्माण पर पूछे एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और हम इस पक्ष में है कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ है मंदिर भी वहीं बनना चाहिए। उनकी रैली में 6000 लोग थे, हमारी एक एक रैली में 30000 से कम कहीं भी नहीं थे और 4 रैलियां हुई है। तो ऐसे में राहुल का आना नहीं आना ये कोई हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए कोई बड़ा महत्व का विषय नहीं है। भावना तो हमारी यह है कि अब राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें कोई दुराय ही नहीं है। किस प्रकार से बने, मामला कोर्ट में भी है, मामला जो है वो कोर्ट के अलावा जो है लोगों के बीच में भी है, लेकिन जन भावना यह है कि जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और हम, मुझे ये सारी चीज को लेकर के मध्यस्थता, ये सारी बात को लेकर के रास्ता कोई भी निकले, लेकिन हम इस पक्ष में हैं कि मंदिर बनना चाहिए। सीएम के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के चंबी में राहुल गांधी की बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली रैली सफल रही है। वहीं राठौर ने कहा कि उनका भी हिमाचल अध्यक्ष के रूप में यह पहला अनुभव था, जो कि बहुत बढ़िया रहा। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिन पहले ही चंबी में भाजपा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था। भाजपा क्योंकि सत्ता में है, इसलिए उसने धन बल का प्रयोग कर भीड़ एकत्रित की थी।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बिना साधनों के जनबल पर इस रैली को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समूचे हिमाचल ने नारी शक्ति को नमन किया। प्रदेश भर में जगह जगह सम्मान कार्यक्रम हुए, वहीं सोशल मीडिया पर भी महिलाएं खूब छाई रही। राजधानी शिमला में रिज पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मैराथन का आयोजन करवाया, जिसमें शिमला शहर के लगभग 810 पुरुष और महिला प्रतिभागियों ने रेस लगाई। विजयी रहने वाली महिलाओं को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं सोलन में बाल विकास विभाग के सौजन्य से संस्कृत कॉलेज में कार्यक्रम सजा। इसके अलावा मटका फोड़ प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर, रेस आदि स्पर्धाओं में विजेता रही महिलाओं को उपायुक्त ने पुरस्कार से नवाजा। ऊना में हिमोत्कर्ष ने उत्कृष्ट कार्यों पर होनहार महिलाएं नवाजी। वहीं पीजी कॉलेज में भी कार्यक्रम मनाया गया। उधर नेरवा में तहसीलदार नेरवा ऋषभ शर्मा की अगुवाही में महिलाओं को चुनाव पर जानकारी बांटी गई। इसी तरह मंडी, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर व कांगड़ा जिलों में भी कार्यक्रम हुए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह यानी टीका साहब की बारात जयपुर के कनौता पहुंच चुकी है। इस शाही शादी में जहां पटियाला घराने की महारानी शामिल हुई हैं, वहीं बहन अपराजिता सिंह के अलावा परिवार के सभी सदस्य इस शादी में शामिल हुए। नारायण निवास पैलेस में पूरा दिन शादी की रस्में पूरी की गई, जिसके बाद शाम को बारात जयपुर के कनौता स्थित नारायण पैलेस होटल में पहुंची। रात 8 बजे के बाद उनकी शादी का शुभ मुहूर्त है। वह अमेठ के ठाकुर धीर सिंह की पुत्री सुदर्शना कुमारी से परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। शादी में वीरभद्र सिंह खासे खुश नजर आए, एक वीडियो में वह नाटी डालते भी दिखे। हिमाचल में अगले दो दिन धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग का आकलन सही रहा तो इसके बाद समूचे प्रदेश में 11 मार्च से मौसम फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने 11 से 14 मार्च तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी होगी। इससे पहले प्रदेश में शुक्रवार को आसमान में दिन भर काले बादल घिरे रहे। दिन के समय पहाड़ों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चली, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को चंबा के अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं शिमला, सुंदरनगर, भुंतर, नाहन, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में 2 डिग्री सेल्सियस और कल्पा, धर्मशाला, ऊना, सोलन और केलांग में 1 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो प्रदेश में दो दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि राज्य में 11 से 14 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। और अब खेल समाचार। ऊना के इंदिरा स्टेडियम में चल रही तीसरी विक्रांत मेमोरियल राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन डीसी ऊना ने एचपीसी को 40 रन से हराया। एचपीसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरे डीसी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। इसमें अंकित कलसी ने सर्वाधिक 64 और पूरव राज ने 32 रन का योगदान दिया। वहीं एचपीसी के राहुल, चाहत व अंकित ने एक एक विकेट झटका। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी एचपीसी की टीम 16.4 ओवर में 96 रन पर सिमट गई, जिसमें नकुल राज ने 24 व चाहत ने 15 रन बनाए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रुपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते हाथ धोते टैंक में गिरा प्रवासी, बिलासपुर के सिला गांव में दर्दनाक मौत। मां को इलाज के लिए ले जा रहा बेटा ट्रेन से कटा, पीजीआई में तोड़ा दम। और कुल्लू के लगघाटी में जड़ी का काढ़ा पीने से पति पत्नी की मौत। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं अजू तोमर की आवाज में गाई गई ये शिमला नाटी। बारी पैसा उड़िए देखो देरी बोलो क्या बारी बोले छाशो सतू की बारी पैसा उड़िए देखो देरी जाया नूली बदमाशो करो पिता निराई जानी ली हो दूरी जाया नूली बदमाशो करो पिता निराई जानी ली हो दूरी बोलो क्या बारी बोले छाशो सतू
आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।